क्या संजय दत्त बनने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 के अधीरा? संजय दत्त की वो 5 फिल्में जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका को निभाकर दी बॉलीवुड को मिसाल, और वो कौन सा एक्टर है जिसे दिया जा चुका है विलन ऑफ द ईयर का अवार्ड? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। संजय दत्त की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभिनय करने की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी। इसकी वजह से उनकी रुचि फिल्मों के प्रति और अधिक हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराहना हासिल हुई थी। 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक, जिसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था। इसके लिए उन्होंने कानों में बालियां पहनी, सर पे टोपी, एक आंख पर काला कपड़ा बांधा और दाढ़ी मूछें भी बढ़ाई थी। और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई वो आज भी मिसाल बनी हुई है। वहीं उनकी दूसरी फिल्म है 1999 में आई वास्तव, जिसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। और वास्तव में इस फिल्म में संजय दत्त एक अलग ही लुक में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देखकर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे। उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर। इस फिल्म को संजय गुप्ता द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आंखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आए थे, जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया। तो वहीं 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान। इस फिल्म को हृदय शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजू बाबा यानी कि संजय दत्त एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाढ़ी रखी, साथ ही बालों में कलर भी किया था। या फिर यूं कहें कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने लुक पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। और 2012 में आई उनकी अग्निपथ को तो कौन भूल सकता है। अग्निपथ को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का रीमेक थी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में संजू बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत मेहनत की थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बौहें भी हटवा दी थी। जी हाँ, साथ ही हाथों में ढेर सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे। और उनके इस फिल्म में निभाए गए खलनायक के रोल को डैनी डेंजोंगपा के साथ भी कंपेयर किया गया था। डैनी डेंजोंगपा की बात करें तो वो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं जिनके काम को हर किसी ने सराहा था। डैनी डेंजोंगपा ने घातक, खुदा गवाह, सनम बेवफा, अग्निपथ, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस्त रोल अदा किया था। तो अग्निपथ में भी संजय दत्त ने निभाया जबरदस्त खलनायक का रोल, जिसमें उनका जो किरदार था कांचा चीना का, वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि एक खुशखबरी है, वो आ रहे हैं यश की फिल्म में। जी हाँ, आपने यश की KGF चैप्टर 1 में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीठ किए खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नॉर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए, और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्वानी इसको मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और संजय दत्त का नाम है सबसे आगे, क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यश जैसे एक शेर के साथ टकराएगा, और अब शेर के साथ कोई मेमना तो नहीं टकरा सकता। तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए, किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टक्कर का हो, क्योंकि दोस्तों एक एक्टर और उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना कि हीरो। एग्जाम्पल के लिए अगर सुपरमैन एक
जेब कतरे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिंग से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना कि सुपरमैन, तब लगती है दोस्तों कांटे की टक्कर, तब होती है असली लड़ाई, तब आता है मजा। तो ऐसे में संजय दत्त की यश के साथ टक्कर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ऑफ द ईयर से भी नवाजा जा चुका है, दोस्तों वो कोई और नहीं बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्राण है। उनके रोल के बारे में तो क्या कहें, मतलब अपने दौर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास जाने से भी हर कोई डरता था, और इनको 2000 में विलन ऑफ द ईयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है। अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमति, अमर अकबर, एंथनी, जंजीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबरदस्त खलनायक की भूमिका अदा की है। तो दोस्तों आपका फेवरेट खलनायक कौन है, और आप KGF चैप्टर 2 में यश और संजय दत्त की टक्कर को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।